पुराने सीमा शुल्क भवन, पूर्ववर्ती फोर्ट विलियम की आधारशिला लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा 12 फरवरी 1819 को रखी गई। ये नदी के तट पर स्थित था और कोलकाता पोर्ट के व्यापारिक जहाजों का लंगरगाह था। उस समय सर चार्ल्स डी ओले 1781 से 1845 सीमा शुल्क के कलेक्टर थे। नए सीमा शुल्क भवन की आधारशिला 1940 में रखी गई, जो हुगली नदी के सामने स्ट्रैंड रोड कोलकाता में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1942 में पूरा हुआ और इसका प्रचालन उसी वर्ष शुरू हो गया। सीमा शुल्क भवन कोलकाता सीमा शुल्क क्षेत्र का मुख्यालय है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एक्साइज एंड कस्टम्स इंडियन कस्टम्स एक्ट 1962 के 60 वर्ष पूरे होने का उत्सव इस साल 2022 में मना रहा है। कलकत्ता कस्टम जोन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि ये हमारे साथ लगे चार पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और चाइना के साथ आयात और निर्यात और यात्रियों के आने जाने में उनकी सुविधा प्रदान करता है। कस्टम्स जोन कलकत्ता इसलिए भी विशेष है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भूटान जो कि लैंडलॉक्ड हैं, उनको सामान बाहर से आना और जाना उसमें एक स्पेशल रोल अदा करता है। उनको फैसिलिटी फ्री ट्रांजिट जिसको बोलते हैं हम। इसके अलावा कलकत्ता सीमा शुल्क सार्क तथा बिम्स्टेक देशों के की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक संबंधों में मजबूती से अपनी भूमिका कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा रहा है। कस्टम्स जोन ने हमारे लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में लगभग 22,900 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा किया था और इस वर्ष 2022 और 23 में हमारा राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य 30,000 करोड़ के आसपास है। हमारा उद्देश्य राजस्व इकट्ठा करने के अलावा तस्करी को रोकना भी है, जिसके तहत गोल्ड, नारकोटिक्स, सिगरेट्स और दूसरी वस्तुएं जो इलीगल रूप से देश में लाई या बाहर ले जाई जाती हैं उसके ऊपर भी रोकथाम करने में हमारे अधिकारी और सहकर्मी काफ़ी योगदान देते हैं। मैं इस कस्टम्स एक्ट की 60वीं वर्षगांठ पे सभी हमारे अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। कोलकाता सीमा शुल्क ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार सुविधा में अपनी भागीदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में और सीमा शुल्क के लिए मानकों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का एक संस्थापक सदस्य है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य इस क्षेत्र के सभी देशों के विकास एवं प्रगति को बढ़ावा देने तथा संबंध एवं एकीकृत दक्षिण एशिया का निर्माण करना था। भारत सार्क देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध को महत्व देता है। अपनी पड़ोस प्रथम नीति के अनुसार भारत एक सक्रिय विकासोन्मुख भागीदार है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र संधि के अंतर्गत भारत ने सार्क के सभी सदस्य देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इत्यादि के सभी वस्तुओं पर एक तरफा शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की है। भू सीमा शुल्क स्टेशन समुद्री पत्तन एवं हवाई पत्तन साफ्टा समझौता के अधीन मुक्त व्यापार को सरल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्र मार्ग की सुविधा के द्वारा अन्य देशों को ट्रांसशिपमेंट की सुविधा प्रदान करता है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक भारत को पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और थाईलैंड देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ़ करने हेतु एक प्रमुख मंच प्रदान करता है। सीमा शुल्क कोलकाता बिम्स्टेक देशों में मध्य सामाजिक आर्थिक विकास और सहयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलकाता सीमा शुल्क क्षेत्र में 3 कार्यकारी आयुक्तालय हैं, हवाई पत्तन एवं हवाई माल परिसर आयुक्तालय पत्तन,
आयुक्तालय एवं सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय पश्चिम बंगाल और एक अपील आयुक्तालय। कस्टम एक्ट की 60वीं वर्षगांठ को बड़े उत्साह से मना रहा है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है। जहां तक हमारे कमिश्नरेट ऑफ कस्टम प्रिवेंटिव बंगाल का प्रश्न है, ये एक विशाल आयुक्तालय है जिसकी सीमा 5000 किलोमीटर से ज्यादा की है और 4 देशों को ये सीमाएं टच करती हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और चीन। इस पूरे कमिश्नरेट में जो कि समंदर से शुरू होता है और हिमालय तक फैला हुआ है, जिसमें जो रिवराइन पोर्शन है वो 350 किलोमीटर से ज्यादा है, इसमें 4 रेलमार्ग आते हैं, 2 ICD आते हैं और इसके साथ एक लंबा पोर्शन हमारा रिवराइन का आता है जो कि जल वहन मार्ग है हमारा, और 23 लैंड कस्टम स्टेशन इस CCP बंगाल के अंतर्गत आते हैं सुपरविजन में, जिसमें विश्व प्रसिद्ध पेट्रापोल, गोजाडांगा, चांगरा बांदा, फुलवारी हैं। सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय का अधिकार क्षेत्र पूरे पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम पर है। ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे आयात निर्यात व्यापार को संचालित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ 23 भूमि सीमा शुल्क स्टेशन है। अवैध व्यापार और तस्करी के नियंत्रण के लिए 55 निवारक इकाइयां हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा पार व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले नदी जलमार्ग 260 नॉटिकल मील पर भी इसका नियंत्रण है। बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साझा संस्कृति के कारण भारत से उसके निकटतम संबंध है। सदृश इतिहास, संगीत, साहित्य, सांस्कृतिक संबंध, कला के लिए जुनून तथा रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत एवं बांग्लादेश दोनों राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखा। आर्थिक मोर्चे पर भारत बांग्लादेश के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। बांग्लादेश की भौगोलिक समीपता ने भारत को सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना दिया है। 14 भू सीमा शुल्क स्टेशन भारत एवं बांग्लादेश के बीच व्यापार को सुगमता प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख भू सीमा शुल्क स्टेशन ICP पेट्रोपोल, चेंगरा बांधा, फुलवारी एवं गोजाडांगा है। ICP पेट्रापोल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भू सीमा शुल्क स्टेशन है, जो बांग्लादेश में बोनापोल एवं भारत में पेट्रापोल को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है तथा कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। पेट्रापोल भारत बेनापोल बांग्लादेश वाणिज्य और यात्री यातायात के मामले में भारत और बांग्लादेश के लिए एक प्रमुख भूमि पोर्ट है। ICP पेट्रापोल भारत और बांग्लादेश के बीच 53% से अधिक भूमि आधारित व्यापार को संचालित करता है। बांग्लादेश से प्रमुख आयातित वस्तुएं रेडीमेड गारमेंट्स, कॉटन रैंक्स, ब्रीफकेस, बैग्स तथा भारत से बांग्लादेश को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कॉटन फैब्रिक, चेसिस, रॉ कॉटन, स्टील और आयरन है। मेरा यह मानना है कि आर्थिक विकास तथा कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेट्रापोल बेनापोल का अधिक से अधिक प्रयोग न केवल हमारी अर्थव्यवस्थाओं को घनिष्ठ रूप से जोड़ेगा बल्कि हमारे पीपल टू पीपल टाइप को भी और सुदृढ़ बनाएगा। मेरा यह विश्वास है कि यह हमारे सांझे विकास तथा समृद्धि का प्रमुख मार्ग बनेगा। LCS चेंगरा बांधा भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में स्थित है। LCS चेंगरा बांधा भूटान बांग्लादेश के मध्य बाजार वाणिज्य का प्रमुख ट्रांजिट पोर्ट द्वार है। LCS फुलवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के समीप पश्चिम बंगाल के
जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। फूलबाड़ी सिलीगुड़ी शहर और एनजीपी रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित है। एलसीएस फूलबाड़ी बांग्लादेश नेपाल एवं बांग्लादेश भूटान के बीच सीमा व्यापार के लिए पारगमन पोर्ट भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री बस सेवा 1999 में शुरू की गई, जो कोलकाता और ढाका के बीच यात्रा को सुगम बनाती है। लगभग 50,000 यात्री प्रतिवर्ष इस सुविधा से लाभान्वित होते हैं। बंधन एक्सप्रेस इन दोनों देशों के बीच द्वितीय यात्री रेल सेवा है, जो पेट्रापोल बेनापोल सीमा के माध्यम से कोलकाता को खुलना से जोड़ती है। ये सेवा 2017 में शुरू की गई है और ये सप्ताह में दो बार चलती है। मिताली एक्सप्रेस ढाका और जलपाईगुड़ी के बीच एक और प्रमुख रेल मार्ग है। कोलकाता और ढाका के बीच 43 वर्षों से निष्क्रिय रेलवे मार्ग मैत्री एक्सप्रेस को पुनः शुरू किया गया है। रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वालों की सीमा शुल्क निकासी कोलकाता रेलवे स्टेशन और जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर की जाती है, जबकि बस सेवा के माध्यम से यात्रा करने वालों की सीमा शुल्क निकासी आईसीपी पेट्रापोल से की जाती है। आईसीपी पेट्रापोल भू सीमा शुल्क पर औसतन दैनिक यात्री यातायात लगभग 6,000 है। कोलकाता सीमा शुल्क कोलकाता रेलवे स्टेशन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे के माध्यम से चिकित्सा उपचार को सुगम बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। बांग्लादेश नेपाल भूटान से बड़ी संख्या में यात्री अपनी बीमारियों के इलाज के लिए कोलकाता शहर में स्थित स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं और हमारे अधिकारी यात्रियों और उनके सामान के लिए समस्या मुक्त आवाजाही हेतु विशेष ग्रीन चैनल सुविधा प्रदान कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच अधिकांशतः आयात और निर्यात ट्रक के द्वारा संचालित होता है, परंतु आयात निर्यात व्यापार कुछ सीमा शुल्क रेलवे स्टेशन रानाघाट सिंगाबाद पेट्रापोल राधिकापुर के माध्यम से भी होता है। एलसीएस हेमनगर नदी के प्रोटोकॉल मार्ग का उपयोग करके बांग्लादेश के साथ एक्जिम व्यापार को संचालित करता है। बांग्लादेश को निर्यात किए जाने वाले अधिकांश सामान ड्राई फ्लाई ऐश है। हेमनगर एलसीएस का कार्य शिपिंग बिल गेट पास भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण सीलिंग अनुमति पत्रों सील बिंदुओं वस्तुओं की मात्रा को प्रदर्शित करने वाले एनालॉग जैसे दस्तावेजों के आधार पर बांग्लादेश जाने वाले माल से लदे जहाजों के साथ साथ भारत आने वाले खाली आयात जहाजों पर लगे सील का भौतिक निरीक्षण करके सीमा पार आवाजाही की अनुमति देना है। हल्दिया बजबज और खिदीरपुर में सीमा शुल्क अधिसूचित घाटों पर सीमा शुल्क पर्यवेक्षण के तहत निर्यात वस्तुओं को बड़े जहाजों में लोड किया जाता है और हेमनगर एलसीएस स्टेशन पर निर्यात मंजूरी दी जाती है। भारत भूटान पारंपरिक रूप से एक दूसरे के बहुत निकट हैं तथा दोनों देशों के बीच संस्कृति एवं परस्पर हित संबंधों को विशेष बनाती है। सीमा शुल्क निवारक पश्चिम बंगाल आयुक्तालय के अधीन 6 भू सीमा शुल्क स्टेशन हैं, जैसे जयगांव चामोर्ची बिरपाड़ा नगरकाटा कुलकुली और लोकसन, जो भारत और भूटान के बीच व्यापार को सुगम बनाते हैं। एलसीएस नागरकाटा एलसीएस कुलकुली पर ईडीआई प्रणाली को शीघ्र चालू करने की तैयारी कर ली गई है। भारत और भूटान के बीच 70% से अधिक विपक्षी व्यापार जयगांव स्टेशन से किया जाता है। यहां प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही होती है। एलसीएस जयगांव भारत और भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में है। भू सीमा शुल्क जयगांव के माध्यम से प्रमुख निर्यातित वस्तुएं पेट्रोलियम और इससे संबंधित उत्पाद क्वार्ट्ज स्पंज आयरन यात्री वाहन और मालवाहक टीएमटी बार मार्बल आदि हैं। भूटान में पसाखा और भारत में जयगांव के बीच भारत और भूटान ने एक नया व्यापार मार्ग शुरू किया है। भूटान की शाही सरकार द्वारा प्रदान किए गए गारंटी पत्र के संरक्षण के तहत भूटान भारत के अलावा अन्य देशों से वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है। जयगांव भारत सी पोर्ट से शुरू होने वाले एवं ट्रांजिट वाले भूटान हेतु तीसरे देशों से
कंटेनरीकृत आयातों के लिए भारत सरकार एवं शाही सरकार के बीच वाणिज्य एवं पारगमन हेतु RFID सील का प्रयोग किया जाता है। सील को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से स्कैन किया जाता है और यदि सही सलामत पाया जाता है तो न्यूनतम सीमा शुल्क औपचारिकताओं के बाद कार्गो को भूटान में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत नेपाल मित्रता और सहयोग का एक अनूठा रिश्ता साझा करते हैं। खुली सीमाएं, साझी धर्म संस्कृति, पारस्परिक सौहार्द एवं विश्वास दोनों देशों के संबंधों को विशेष बनाती है। भारत और नेपाल के नागरिकों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संपर्क कार्यक्रम चलाए गए। नेपाल पर्वतों से घिरा एक स्थलरुद्ध देश है। भारत के अलावा अन्य देशों के साथ व्यापार करने में नेपाल की ट्रांजिट चुनौती इसकी स्थलरुद्ध भौगोलिक स्थिति से उपजी है। नेपाल का निकटतम समुद्री बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है, जो देश की राजधानी काठमांडू से लगभग 890 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। LCS पानी टंकी नेपाल में काकर भिट्टा और भारत में पानी टंकी को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। पानी टंकी भी विदेशी राष्ट्रों के साथ भूटानी वाणिज्यिक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट है। पानी टंकी में एक प्रस्तावित ट्रांस एशियन रेलवे कनेक्शन भी है। इस LCS से प्रमुख आयातित वस्तुएं आयरन एवं स्टील, चाय, झाड़ू इत्यादि एवं प्रमुख निर्यातित वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट, फल इत्यादि हैं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से चीन भारत संबंध भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अत्यधिक आबादी वाले देश होने के कारण ये एशिया के प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियां हैं। दोनों देशों के पास विशाल क्षमता एवं व्यापक आर्थिक एवं व्यापारिक संभावनाएं हैं। शेराथोंग सिक्किम राज्य में गैंगटोक के पूर्व में स्थित है। शेराथोंग नथुला दर्रा द्वारा भारत एवं चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमा है। ये शिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। 2022 में इंडिया में हम लोग कस्टम्स एक्ट की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सीमा शुल्क आयुक्तालय सी कस्टम्स कोलकाता पत्तन, इसमें हमारे यहाँ नेताजी सुभाष डॉक्स कलकत्ता में, उसके अलावा खिदरपुर डॉक्स और हल्दिया डॉक्स ये ख़ास तौर से शामिल हैं। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर कस्टम हाउस और कस्टम हाउस कोलकाता से जो जुड़े हुए दूसरे कंटेनर फ्रेट स्टेशन हैं, ये सब कोलकाता सी कस्टम्स यानी सीमा शुल्क पत्तन आयुक्तालय कोलकाता के तहत आते हैं। इस आयुक्तालय में हमारा प्रयास रहा है कि जो आयात करने वाले हमारे क्लाइंट्स हैं उनको बेहतरीन सर्विस दी जाए, बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जाए। इसी जमन में, इसी के तहत यहाँ कई नए इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं, जिनमें शिप टू शिप ट्रांसफ़र है, उसके अलावा प्री गेट सुविधा है। और एक ख़ास चीज़ जो इस आयुक्तालय में है, वो यहाँ से जो नेपाल का सामान ट्रांसशिपमेंट में जाता है, उसके लिए एक नई RFID की सुविधा स्टार्ट की गई है, जिसके ज़रिए ये माल बहुत जल्द पहुँच जाता है। उसके अलावा जो CBIC का फेसलेस असेसमेंट है, वो यहाँ पे चालू किया गया है। और उसके साथ ही एक फैसिलिटेशन सेंटर, सुविधा सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, जिसके ज़रिए आयातकों को अपना सामान आउट ऑफ चार्ज कराने में बहुत सुविधा मिलती है। पोर्ट आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, बजबज और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा कोलकाता, हावड़ा और दक्षिण उपनगरीय निगमों के अधिकार क्षेत्र एवं हुगली नदी के दोनों ओर स्प्रिंग टाइड पर उच्च जल स्तर के 10 किलोमीटर के भीतर सभी भूमि क्षेत्र शामिल हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पूर्ववर्ती में कोलकाता पोर्ट देश का पहला प्रमुख पोर्ट और एकमात्र नदी मार्ग पोर्ट है, जिसे 1870 में कमीशन किया गया। इसे पूर्वी भारत एवं नेपाल और भूटान जैसे हमारे पड़ोसियों के लिए पोर्ट प्रवेश द्वार कहा जाता है। हुगली नदी पर स्थित ये हमारे देश का एकमात्र नदी पोर्ट है, जो समुद्र से लगभग 203 किलोमीटर दूर है।
कोलकाता डॉक सिस्टम KDS 3 डॉक से मिलकर बना है। नेताजी सुभाष डॉक NSD 10 बर्थ के साथ, खिदीरपुर डॉक KPD 18 बर्थ के साथ और बजबज BB JT 6 बर्थ के साथ, मालवाहक पोत खिदीरपुर डॉक KPD और नेताजी सुभाष डॉक NSD दोनों के लॉक गेट के द्वारा प्रवेश और प्रस्थान करते हैं। नेताजी सुभाष डॉक NSD आमतौर पर कंटेनरीकृत माल को संभालता है, जबकि खिदीरपुर डॉक KPD ज्यादातर ब्रेक बल्क फ्रेट को संभालता है। बजबज JT को विशेष रूप से तरल बल्क फ्रेट को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। चूंकि ये पोर्ट शहर आधारित है, अतः गैर जोखिम कंटेनरीकृत कार्गो पर जोर दिया जाता है, जैसे खाद्य परियोजना कार्गो, लकड़ी, स्क्रैप इत्यादि। खिदीरपुर डॉक सिस्टम की एक उल्लेखनीय विशेषता ये है कि डॉक्स को जोड़ने और क्षेत्र में यात्री आवागमन को आसान बनाने के लिए दो अलग अलग सेतु बनाए गए हैं। पहला सेतु धारा के लंबवत खुलता है, जहाज को गुजरने के लिए दो अप एंड डाउन चैनल उपलब्ध कराता है और वाहन सेतु के रूप में भी काम करता है, जबकि खिदीरपुर का स्विंग ब्रिज किसी जहाज के पास आने पर खुलता है। स्विंग ब्रिज केंद्र में फलक्रम पर स्विंग करता है। अक्टूबर और मार्च के महीने के दौरान जब गहराई कम होती है, कंटेनर पोत अपनी पूरी क्षमता के साथ डॉक तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में डायमंड हार्बर, सागर, एंकरेज और सैंडहेड, जो कि कोलकाता पोर्ट से 200 किलोमीटर दूर स्थित है, ट्रांसलोडिंग स्थानों के रूप में काम करते हैं। कोलकाता पोर्ट आयुक्तालय के अंतर्गत द्वीप समूह के बारे में, द्वीप समूह के मध्य निकोबार समूह में पोर्ट ब्लेयर का हड्डो JT और नानकारी द्वीप समूह का नानकारी JT को आयात निर्यात व्यापार को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क स्टेशन के रूप में नामित किया गया है। फोर्ट मिडोज और कैंपबेल बे को हाल ही में अपतटीय तरल और बल्क कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में लगभग 22 समुद्री मील की दूरी पर स्थित सीमा शुल्क स्टेशन के रूप में नामित किया गया है। समुद्री पोर्ट पर अन्य देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं में शामिल है क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोया ऑयल, कुकिंग कोयल, केमिकल, स्क्रैप, दलहन इत्यादि, जबकि निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं झींगा, चावल, गैर मिश्रित धातु, अल्यूमिनियम, लोहा और इस्पात की वस्तुएं, चमड़े का सामान आदि है। कोलकाता सीमा शुल्क ने सुगम व्यापार के उद्देश्य से निकासी प्रक्रियाओं में नवीनतम सुधार किया है, जैसे बिल ऑफ एंट्री की स्वचलित निकासी, सीमा शुल्क दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, जैसे ई संचित, आयातकों द्वारा वस्तुओं का स्वतः पंजीकरण एवं कागज रहित निकासी। इसके अलावा सर्वाधिक उल्लेखनीय कंटेनर स्कैनिंग डिवीजन की शुरुआत है। स्कैनिंग डिवीजन का संचालन 20 अप्रैल 2022 से आरंभ हो गया है। ये स्कैनर कंटेनरों की दो आयामी एक्सरे तस्वीरें प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं, जो मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है और कार्य अवधि को भी कम करता है। विशेष फ्लोटिंग जहाज के माध्यम से विशेष जहाज से जहाज हस्तांतरण की नई पहल द्वारा कार्गो हैंडलिंग समय में 7 से 9 दिनों की कमी आई है। इस नई पहल के तहत पहला विशेष जहाज से जहाज हस्तांतरण मार्च 2022 में बांग्लादेश जाने वाले LPG कार्गो के लिए किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस डॉक के बाहर लगभग 25,000 वर्ग मीटर की प्री गेटेड सुविधा, निर्यात बाध्य कंटेनरों के लिए पार्किंग के रूप में अधिसूचित की गई है। पूर्व में सभी सीमा शुल्क औपचारिकताएं डॉक के अंदर की जाती थी, किंतु अब इन्हें डॉक के प्रवेश के पहले इस पार्किंग सुविधा में पूरा किया जा रहा है। इस पहल से डॉक के अंदर मालवाहक पोतों का आवागमन सुगम हो गया है। कोलकाता एयरपोर्ट पूर्वी भारत का गेटवे एयरपोर्ट है। यहाँ पे हम सालाना लगभग 25,000 फ्लाइट्स को और 30 लाख यात्रियों को हैंडल करते हैं। इस एयरपोर्ट पे हमेशा हमारी कोशिश और प्रयास रहा है कि हमारे जो यात्री हैं उनको बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो। इसी दिशा में हमने यहाँ एक अतिथि ऐप इंट्रोड्यूस किया है, जिसके ज़रिए
जो यात्री हैं वो बहुत आसानी से अपना टैक्स पे कर सकते हैं। जहाँ तक एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स का सवाल है, उनके लिए भी बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने का हमारा प्रयास रहता है, और इसी के तहत लगभग 95% कार्गो हम फैसिलिटेट करते हैं, और 99.5% के तकरीबन जो यात्री हैं उनको भी फैसिलिटेट करते हैं, ग्रीन चैनल से जाने दिया जाता है। इस सब के बावजूद हमारे जो ऑफिसर हैं वो सतर्क रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई कॉन्ट्राबैंड, कोई स्मगलिंग और इस किस्म की चीज़ें फ्रंटियर को क्रॉस ना करें, और जहां ऐसा कोई केस सामने आता है तो सख्त कार्रवाई भी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ववर्ती दमदम हवाई अड्डा 1924 में खोला गया, जिस पर पहला जहाज डकोटा 3 का आगमन हुआ था। दमदम हवाई अड्डा का नामकरण मार्च 1995 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में किया गया एवं वर्तमान में ये देश का 5वां व्यस्त हवाई अड्डा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के बाधा रहित आवागमन एवं तस्करी तथा अवैध गतिविधियों की रोक को सुनिश्चित करने के लिए चारों पहर कार्य करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के पूर्वी क्षेत्र का प्रमुख हवाई यातायात हब है और पश्चिम बंगाल के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में से एक है और दूसरा बागडोगरा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मध्य पूर्व तथा दक्षिण एशिया में आने जाने के लिए उड़ानों के हब के रूप में कार्य करता है। नवीनतम एकीकृत टर्मिनल 2012 में खोला गया, जिसमें अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल एक ही छत के नीचे हैं। कोलकाता सीमा शुल्क 5,000 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को दैनिक आधार पर सुविधा प्रदान करता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की तरह यात्री को ग्रीन चैनल के माध्यम से या रेड चैनल के माध्यम से निकासी प्राप्त करने का विकल्प है। यात्री द्वारा लाए जाने वाले वस्तुओं के प्रकृति के आधार पर तीव्र निकास हेतु उचित संकेतक लगाए गए हैं, और यात्री अपने साथ लाने वाली वस्तुएं जिस पर सीमा शुल्क देय है उसे अदा करने की ऑनलाइन सुविधा अलग से प्रदान की गई है। वर्तमान समय में हवाई अड्डे पर तस्करी गतिविधियों को रोकने एवं यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे अतिथि ऐप, जो भारत में आने वाले सभी यात्रियों को एक मंच प्रदान करती है, जिसके द्वारा विशुल्क देय मदों जैसे करेंसी की घोषणा एवं अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए कागजात फाइल कर सकते हैं। इस कारण से सीमा शुल्क घोषणा करने में लगने वाले समय में कमी आई है तथा भारतीय हवाई अड्डे पर आवागमन प्रक्रिया सुगम हो गई है। विभिन्न खेपों के परिवहन कार्य को सरल एवं सुगम बनाने के लिए वर्ष 1975 में कोलकाता हवाई माल परिसर को खोला गया, जो भारत का प्रथम कार्गो सुविधा केंद्र था। पेरिशेबल वस्तुओं के सरल परिचालन हेतु वर्ष 2008 में पेरिशेबल कार्गो केंद्र का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सामानों के लेन देन में कोलकाता हवाई कार्गो संसार के अनेक भागों से जुड़ता है, जिसमें दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी देश, मध्य पूर्व देश, सेंट्रल एशिया शामिल है। भारत में अन्य देशों से प्रमुख आयातित वस्तुएं विद्युत मशीनरी, गत वर्ष हवाई मार्ग परिसर उपकरण, सोना, लोहा और इस्पात की वस्तुएं, रबर, प्लास्टिक के दाने, घड़ियां और उनके पुर्जे आदि हैं। प्रमुख निर्यातित वस्तुएं आभूषण की वस्तुएं, चमड़े की वस्तुएं, असंसाधित और संसाधित मानव बाल, मोबाइल फोन, केकड़े आदि हैं। एक्सप्रेस कार्गो निकासी प्रणाली समर्थित अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल ICT का उद्घाटन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पर किया गया। इस प्रणाली के कारण कोलकाता कार्गो टर्मिनल फेसलेस कुशल प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन करते हुए ECCS समर्थित कोरियर निकासी के राष्ट्रीय मानचित्र पर आ गया है। कोलकाता सीमा शुल्क ने इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधा को उत्कृष्ट बनाने एवं कार्गो निष्क्रमण को बढ़ाने के लिए बंद ट्रकों या कंटेनरों में भू सीमा शुल्क स्टेशन पोर्ट एवं एयरपोर्ट के माध्यम से तीसरे देशों को बांग्लादेश से जाने वाले निर्यात कार्गो के ट्रांसशिपमेंट की सुविधा में विस्तार किया है।
सीमा शुल्क, भारतीय वाहनों में आयातित मालों का बांग्लादेशी वाहनों से लदान की निगरानी करता है, जिसके बाद कार्गो को इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम शील्ड के अंतर्गत नेताजी सुभाष डॉक एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई माल परिसर में जाने की अनुमति दी जाती है। हवाई मार्ग के माध्यम से किसी भी प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारी हमेशा सतर्क एवं चौकस रहते हैं। मानवीय आसूचनाओं एवं यात्रियों की प्रोफाइलिंग के आधार पर अवरोधन की अनेक घटनाएं इन दिनों संपन्न की गई हैं। कोलकाता हवाई अड्डे पर 2013 से सीमा शुल्क डॉग स्क्वाड कार्यरत है। डॉग स्क्वाड नियमित रूप से हवाई अड्डे पर गश्ती करते हैं एवं नशीले पदार्थों सहित मादक पदार्थों का पता लगाने में सहायता करते हैं। कोलकाता सीमा शुल्क तस्करी के विभिन्न वस्तुओं जैसे सोना, नारकोटिक्स, विदेशी सिगरेट, वन्य जीव, फैंसी डील सिरप, लाल चंदन, विदेशी मुद्राएं आदि पर हमेशा सतर्क निगाहें रखता है। हाल ही के महीनों में कोलकाता सीमा शुल्क ने 9 विदेशी पक्षियों को जब्त किया, जिनमें 6 स्कारलेट मकाऊ, 2 पीली नेपथ अमेजन। कोलकाता सीमा शुल्क देश को मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान वर्ष में ही माननीय वित्त मंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में 18,000 किलोग्राम गांजा एवं अन्य नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। देश की पूर्वी आर्थिक सीमाओं का प्रहरी कोलकाता सीमा शुल्क राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले प्रख्यात खेल हस्तियों का भी घर है। सीमा शुल्क के पूर्व सहायक आयुक्त लेस्ली वाल्टर क्लाडियस ने 1948, 1952 एवं 1956 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां भारत ने स्वर्ण पदक जीते और ये 1960 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, जिसमें भारत ने रजत पदक जीता था। हॉकी में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। हॉकी में सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने के कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कोलकाता सीमा शुल्क निवारक के पूर्व अधिकारी गुरबख्श सिंह 1961 से 1965 तक भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। उन्होंने 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया, जहां भारत ने स्वर्ण पदक जीते। 1967 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोलकाता सीमा शुल्क अपनी जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों को बखूबी समझता है तथा राष्ट्र के आर्थिक प्रगति, व्यापारिक व सामाजिक भागीदारी एवं आयात निर्यात को सरलीकृत बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। Thank you.